ये हमारे सैफ साहब का गेटअप, हिमांशु इधर तो देख ले भाई, धुआं लग रहा। ये है जी अपना चिकन जो बनाया, ये देख लीजिए आप इसकी रंगत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और स्वागत है आपके आज के इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है ऐसा होने वाला है कि आज हम जाने वाले हैं पार्टी करने, वो भी जंगल जंगल में पार्टी करने वाले। तो मेन बात ये है कि जो जंगल में पार्टी करने में मजा आता है ना, वो किसी रेस्टोरेंट या 5-स्टार होटल में भी आप अगर बैठ जाओगे तो उसमें भी आपको इतना मजा नहीं आएगा जो कि आपको जंगल में आएगा। और जाओ और खुद बनाओ। तो अभी फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमने आए हैं धारकोट की तरफ अपनी पार्टी वार्टी करने के लिए, सामान हमने थानों से ले लिया है, और किस चीज के लिए पार्टी है वो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा। फिलहाल हो रही है लेट, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। आज की पार्टी का जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि आज से 2 दिन पहले था हिमांशु का बर्थडे, हिमांशु को आप सब जानते हो, और आज से 2 दिन बाद है दीपक का बर्थडे, और उसके 1 दिन बाद है मयंक का बर्थडे, एक भाई अपने साथ और है, तो बर्थडे इस मंथ में। तो आज ही एक दिन डिसाइड करके आज एक ही दिन में हम सब पार्टी कर रहे हैं। तो फिलहाल का सीन ये है कि दीपक भाई का बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद, ठीक है जी, मयंक का उसके 1 दिन बाद, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इसका है, और एक भाई अपने साथ और। आज हम चिकन विकन बनाने वाले हैं जाके, तो चिकन हम अपने यहाँ ला चुके हैं, और जहाँ हम पार्टी करना है यहीं हम किसी बंदे को जानते, तो लकड़ी वकड़ी का इंतजाम हमने यहीं से करने को बोल दिया। तो अभी वो बंदा आएगा, फिर निकलेंगे आगे की तरफ, और फिलहाल टाइम हो चुका है 12:30, तो देखेंगे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी पार्टी करने आए, टाइम लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पहुंच चुके हैं जी हम अपनी पार्टी वाली लोकेशन में। अब आप देखो लोकेशन, इधर उधर की लोकेशन देखो आप। तो इस लोकेशन के साथ अगर पार्टी हो जाए तो क्या ही बात है, आप बताओ। तो फटाफट अभी चूल्हा भी अपना यहाँ पे रेडी है, पहले किसी और ने बना रखा, तो लकड़ी वकड़ी जलाते हैं और उसके बाद फटाफट बनाते हैं खाना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इसी के साथ ही अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है, चालू चूल्हा वूल्हा अपना जल गया, तेल वेल बटर वटर डाल दिया, अब बारी इसमें खड़े मसाले डालने के। सारे सैफ हैं, मयंक, हेमू, दीपक भाई, तुम भी हो गए सैफ, सारे सैफ हैं, सारे एक्सपर्ट है। अब पड़ चुका अपना प्याज व्याज पूरा एकदम, ये हमारे सैफ साहब का गेटअप, हिमांशु इधर तो देख ले भाई, धुआं लग रहा। बाकी यार आप लोकेशन देखो कितनी प्यारी सी है, और यहाँ पे लॉन्डे लगे हुए पूरी प्रिपरेशन में। देखो जो पार्टी का मजा है ना, आप यकीन मानो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होटल से अच्छा ना आपको ऐसे पार्टी करने में मजा आएगा। अब जो थोड़ा शहर वाले बंदे होंगे उन्हें तो खैर नहीं आएगा, बट शहर वालों को भी आएगा मतलब मेरे हिसाब से, बट ऑलमोस्ट अपना चिकन बनने वाला है। अब देख लो इसकी रंगत, लौंडे इंतजार कर रहे हैं, बस बने और प्लेट में निकाल ले। इसके बाद थोड़े पीस निकालने वाले, इसमें राइस डाल देंगे, और इसे मतलब चिकन बिरयानी टाइप का बनाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की कुछ बन जाए बढ़िया। चलिए जी ऑलमोस्ट हो चुके रेडी, तो थोड़े बहुत पीस निकाल देते हैं, उसके बाद इसमें राइस डाल देंगे, कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाल ले बड़े वाले? अरे जैसे मर्जी पीस निकाल दे, दो प्लेटों में निकालो। पानी ला पीछे से पानी ला। पानी दिखने में तो बढ़िया लग रहा, ज्यादा ही मत डालिए पानी है, डाल ये पानी बहुत वो करते हैं। डाल नहीं, मैं ज्यादा भर दूंगा किचन में हो जाए। नहीं नहीं और डाल, फुल भर दो। अरे हाँ फुल भर दो, अपने स्टाइल से बना जैसे हमें आपसे। बटर भी ला, आधा बटर डाल दे इसमें, मिला इमू। चलिए जी आधा अमूल भी डाल दे इसमें, मिला दे इसे। इसमें नमक मिर्च अब और डाल चावल के हिसाब से, अभी तो मीट के हिसाब से था ना, रख दे ढक्कन लग रहा। भैया उम्मीद तो पूरी कि मजा आएगा, देखने में तो बढ़िया लग रहा, अब बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा कितना मजा आने वाला। ये है जी अपना चिकन जो बनाया, एक लौंडा हमारे साथ ऐसा है जो चिकन नहीं खाता, बट इसके लिए भी इंतजाम कर रखा, हम पनीर पैक करा के ला रखे इसके लिए बना हुआ, क्योंकि कोई भाई खाली नहीं रहना चाहिए ना। पहली बाइट दीपक ने ली, दीपक कैसा? अच्छा मसाले बता, मसाले कैसे? मसाले सही, जितना हमने चिकन निकाला था उतना सारा निपटा दिया, बस अब इंतजार है कि जो हम बिरयानी बना रहे हैं मतलब अपनी वाली बिरयानी अपने हिसाब की वो बन जाए, तो अब उसको दिखाते हैं वो कैसी बनी, उसकी रंगत कैसी आई। चिकन हो और सैलेड ना हो तो क्या ही मजा। प्याज व्याज अपने काट लिए, और अपना ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है, बस
अब निकालने की देरी है। चलिए जी, चिकन हो चुका है अपना रेडी। हे वहां निकाल रहे हैं। रख भाई, हटा ढक्कन। ये देख लीजिए आप इसकी रंगत, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा होने वाला है। तो थोड़ा सा बटर बचा हुआ था तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। भाई बटर की स्मेल ना बहुत तगड़ी आ रही है अब, है ना? उससे आ रही, इससे आ रही भाई बटर की स्मेल। मैं सोचा पतीले से आ रही। चलिए जी, सारी प्लेटें अब निकल चुकी हैं, बस अब खाने की देरी है। भाई की मटर पनीर, मटर पनीर की कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर। कैसा हो रहा है मानसु? बढ़िया, जबरदस्त। मुंह तो नहीं फूक दिया। टेस्ट हमने कर लिया, हो रहा एकदम जबरदस्त। तो खाते निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना वाना अपना निपट चुका है सारा, सब खत्म हो गया, पतीले भी हो चुके खाली। अब निकलते हैं थोड़ी देर में बस घर की तरफ। तो खाना हो चुका है अपना पूरा कंप्लीट। हम सब ने मतलब मजा आया कि नहीं आया? ऐसी पार्टी करने में ज्यादा मजा आता है ना, ऐसी पार्टी करने में ज्यादा मजा आता है। और आपको अब कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब, और शेयर तो आप खुद ही कर ही दोगे। बाकी अब आप देख लो, जब हम आए थे ना कितनी भयंकर धूप थी, और अब आप देखो मौसम कैसा हो रहा, सुहाना मौसम, कोहरा ही कोहरा हो रहा चारों तरफ। हमें तो लैंड भी नहीं होना, सीधे घर ही जाना है। तो अब निकलते हैं घर की तरफ। और भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बहुत सारे फॉलोअर है जिसके। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं अब घर की तरफ।